हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप DGTT+ ऐप से बिजली का बिल कैसे जमा कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने क्या करना है, ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने अपने साइन इन जाना है। उसके बाद नीचे आप इसमें पेमेंट्स वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी यूटिलिटी बिल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीफोन, वन बिल, क्विक पे, एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब वो बिजली का बिल जमा करना, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आपने भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो तकरीबन ये 10 कुछ कंपनियाँ जो हमें पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड करती हैं। तो आपने अपने बिजली के बिल पर देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब हमें जो पैस्को प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर मैं पैस्को पर क्लिक करें तो आपको जो सी प्रोवाइड करती है आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने लिखना है रेफरेंस नंबर। ठीक है, रेफरेंस नंबर आपके बिल पर कहाँ पर लिखा होगा, तो यहाँ पर व्यू रेफरेंस नंबर पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बिल के ऊपर इसने हाईलाइट किया हुआ है कि आपके बिल के ऊपर इधर जो है वो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर देख के यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह अगर आपकी कोई भी कंपनी है तो आप उसका चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपसे पूछे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है मैं ये लेस्को का चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी व्यू रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे तो लेस्को के बिल के ऊपर इस तरह रेफरेंस नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो आपने जोन सी कंपनी आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है उसकी रेफरेंस नंबर आपने अपने बिल पर देख के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं पैस्को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं पैस्को पर आ जाता हूँ और यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर लिख लेता हूँ। आपने अपने बिल पर देख के यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना रेफरेंस नंबर जो है वो लिख लेता हूँ। रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ये बिल की डिटेल शो करा देगा। ठीक है, कि आपका कितना बिल है। तो यहाँ पर जो मेरा बिल है वो है 506 रुपये। ठीक है, तो आपका जितना भी बिल होगा वो यहाँ पर आपको शो करा देगा। तो यहाँ पर बिल किसके नाम पर है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर नेम, और उसके अलावा बिल आईडी, ड्यू डेट इसकी क्या है, बिल मंथ क्या है, अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट क्या है, स्टेटस में आपको ये शो देगा कि ये बिल जो है वो पेड है या अनपेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसने लिखा हुआ बिल अनपेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सारी डिटेल देख लेनी है। उसके बाद आपने पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी 5 डिजिट जो पिन है वो लिखनी है। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट की 5 डिजिट पिन लिख लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट की 5 डिजिट पिन लिखेंगे उसके बाद ये थोड़ा सा लोड करेगा और उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ जाएगा कि आपका बिल जो है वो सक्सेसफुली जमा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 506 रुपये मेरा बिल था और ये सक्सेसफुली जो है वो जमा हो गया। तो इस तरह आप भी जो है वो अपना बिजली का बिल जो है वो DGTT+ ऐप से जमा कर सकते हैं। तो वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।